बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रमान सदीकी। चांद ग्रहण कौन सी डेट पर होने जा रहा है और कौन से स्टार्स को मुतासिर करके जाएगा, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसलिए कि ये ग्रहण भी मंगल वाले दिन ही लग रहा है। इससे पहले जो सूरज ग्रहण था वो भी 25 अक्टूबर को मंगल के दिन ही लगा था, लेकिन चांद ग्रहण के अंदर आपने कोई भी ज़रूरी और ख़ास काम नहीं करना। अगर आप 15 दर्जे 59 दकीका की पैदाइश हैं तो आपको एहतियात बरतनी है, इसलिए कि ये बुर्ज सौर में लग रहा है। और जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर स्टार्स इस दर्जे के ऊपर पड़े हुए हैं उनको भी एहतियात बरतनी है, इसलिए कि वैसे तो ये ग्रहण 5 स्टार्स को मुतासिर करके जाएगा, वीनस, मरकरी, सैटर्न, सन और मून। मतलब कि चांद को तो ये ग्रहण लग रहा है, ये बाकी जो 4 स्टार्स हैं इनको मुतासिर करके जाएगा। अगर आपके पैदाइशी जायचे के अंदर इसी डिग्री के ऊपर स्टार्स हैं तो आपको एहतियात बरतनी है। अगर इस डिग्री के ऊपर स्टार्स नहीं हैं तो आपको ये ग्रहण उस तरह मुतासिर करके नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई ज़रूरी और ख़ास काम करना है तो ग्रहण का टाइम निकलने के बाद अगर करें ये तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि ग्रहण की नहूसत से बच जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 8 नवंबर 2022 को 1:02 पर ये PM का टाइम होगा जिस वक्त ये ग्रहण लगना शुरू होगा। 3:59 PM के ऊपर ये ग्रहण मुकम्मल होगा। ग्रहण ख़त्म होगा 6:56 पर, ये ग्रहण ख़त्म हो जाएगा, ये भी PM का टाइम होगा। 6:56 PM पर ये ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान में उस वक़्त रात हो गई होगी जिस वक़्त ये ग्रहण पूरी तरह मुकम्मल साफ हो जाएगा। तो आपने इस टाइम के अंदर अपनी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। लेकिन एक और चीज़ आपकी रहनमाई के लिए बता दूं कि चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, इसका पैदाइशी जायचे के अंदर 12 घंटे असर रहता है। तो आप ये कोशिश करें कि कम से कम 12 घंटे तक किसी भी, अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या एग्रीमेंट करना चाहते हैं या निकाह करना चाहते हैं, जब ग्रहण लगना शुरू हो उससे 12 घंटे तक कोई भी ज़रूरी और ख़ास काम नहीं करना। सदका लिक्विड, किसी भी लिक्विड चीज़ का सदका दे लें, आपका सदका हो जाएगा, आप ग्रहण की नहूसत से बच जाएंगे। और जो लोग हरूफ सवामत की ज़कात देना चाहते हैं इस ग्रहण के टाइम पर हरूफ सवामत की ज़कात दे सकते हैं। फिर भी किसी को कोई रहनमाई चाहिए तो ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रابطہ करके रहनमाई हासिल कर सकते हैं। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।